दोस्तों वैसे तो हम एक 100 डे चैलेंज पे हैं, लेकिन चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और खासकर जो लोग जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे किसी भी रीजन की वजह से, हम एक मिनी 7 डे चैलेंज अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका day 1 आज है। आपको डाइट कैसे करना है, आपका वर्कआउट रूटीन कैसे होगा, ये पूरा अगले 7 दिन के लिए बताऊंगा। आपको सारा कॉन्टेंट पहुंचता रहे इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन हर एक जो लेटेस्ट वीडियो की आप तक पहुंचता रहे। तो बात करते हैं डाइट की। डाइट की बात करते करते पहले मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले मैं एक शेक बना रहा हूँ, प्री वर्कआउट शेक है। जो को प्री वर्कआउट टाइम है, आपका पोस्ट वर्कआउट टाइम है, ये ऐसा टाइम है जहां पे हम कार्ब्स अच्छे खासे खा सकते हैं। तो ये 100 ग्राम बनाना थे तो इसमें ऑलमोस्ट 23 ग्राम कार्ब्स हैं। उसके बाद ये आप सिनेमन पाउडर है, ये आपका दालचीनी का पाउडर बोलते हैं, इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी काफी अच्छी होती है तो टेस्ट भी अच्छा आता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसका थोड़ा और प्रोटीन के लिए हमारे पास वे प्रोटीन है, ऑलमोस्ट 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा इससे हमें। वे प्रोटीन के बाद दूध है मेरे पास, टोन दूध है, ऑलमोस्ट 250 ml के आसपास है। 250 ml में 11-12 ग्राम कार्ब्स होंगे और आप मान लीजिए 7.5-8 ग्राम के आसपास प्रोटीन होगा। और वर्कआउट करने जाना है तो इसलिए हमें थोड़ा क्विक बूस्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो 1/2 टीस्पून आप थोड़े इसमें कॉफी डाल देंगे। अब थोड़ा स्वीट डालना है तो स्टीविया है मेरे पास, ऑलमोस्ट 0 कैलोरी स्वीटनर है, नेचुरल है। आ जाओ, इसके 2 हो गए, तो आप लिड इसकी बंद कर दीजिए और ये शेक बन चुका है, इसको मैं अपने शेकर कप में डालता हूं। और बात करते हैं डाइट की। ये मेरे दिन का दूसरा मील था, मेरे दिन का जो पहला मील था वो एग्स और उसका काफी वेजिटेबल्स थी। डिटेल जो मेरे मील है, मैं क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, वो मेरे ब्लॉग पे है, तो ब्लॉग का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें चेक जरूर कीजिएगा। तो इसके बाद एक खास चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा, वो ये है कि दाल रोटी उसके बाद चावल फ्रूट्स, नॉर्मली ये सब चीजें हम एसोसिएट करते हैं कार्ब्स के साथ और इंडियन मील प्लान में ये सब चीजें मैक्सिमम होती है। जो आपके चावल है, 100 ग्राम चावल में ऑलमोस्ट 80 ग्राम कार्ब्स होते हैं। तो आज आपको क्या करना पड़ेगा, आप चावल खा रहे हैं थोड़ा मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कार्ब्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है नहीं। तो मैं आज क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले अभी शेक, इसमें ऑलमोस्ट 40 ग्राम कार्ब्स है, क्योंकि प्री वर्कआउट में आपको थोड़ी एनर्जी चाहिए ताकि आपको वर्कआउट अच्छे से कर पाओ, अपना को पुश कर सको, तो ये यहाँ पे जरूरी है। उसका पोस्ट वर्कआउट में डिपेंड करता है मैं कैसा फील कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग कई बार कार्ब्स लेता हूँ, कहीं नहीं कई बार नहीं लेता हूँ। आज मैं कार्ब्स ले लूंगा और नॉर्मली मेरा पोस्ट वर्कआउट मील शायद फिश और राइस होगा। अब उसके बाद एक एग मील होगा और एंडिंग में मोस्टली एक पनीर मील होगा। मैं कोशिश करूंगा मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट हाई रहे पूरे दिन में, क्योंकि वो जरूरी होती है फैट लॉस के लिए, और मेरे जो कार्ब्स इन पर्टिकुलर सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स 80 ग्राम से ऊपर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो गाइज मैं शेक इंजॉय करता हूँ, आप मेरा ब्लॉग भी चेक कीजिए जहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा क्या है कितना क्या नहीं है। और इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ जिम में, दिखाता हूँ कि वर्कआउट आगे में क्या करना है कैसे करना है। जब हम लोग जिम जाते हैं तो सालों साल बेसिकली हम सेम ही रूटीन्स फॉलो करते हैं, सेम रेप स्कीम्स फॉलो करते हैं, लेकिन आज नहीं, इस प्रोग्राम में, इस चैलेंज में बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक कॉम्प्लेक्स एक सर्किट, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही पॉपुलर थे। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी वेट के 3 रेप्स करते हैं, मतलब वो हैवी सेट होता है, तो आप जो स्पीड होती है आपकी वो बहुत कम होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कोई ऐसा मूवमेंट आप करते हैं जिसमें बहुत एक्सप्लोजिव होते हैं, तो होता क्या है कि आपके सारे जो मसल फाइबर्स होते हैं सारे ट्रेन हो जाते हैं, और स्ट्रेंथ वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, एथलेटिक्स वाइज जो बाकी हमारे मोटर पैटर्न्स होते हैं वो भी अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो आज जो सबसे पहला हमारा सर्किट है उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम एक हैवी कंपाउंड मूवमेंट बेंच प्रेस लेंगे। बेंच प्रेस का आप मान लीजिए ऐसा वेट लीजिए जो आप 5-6 रेप्स आराम से कर सकें, तो उसमें आपको 3 रेप्स करने, एक बारी वो खत्म होता है उसके बाद आप जो नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे वो होगा एक्चुअली क्लोज बेंच प्रेस, जो कि आपके ट्राइसेप्स को ट्रेन करेगा, तो उसके आपको 5 रेप्स करने हैं। एक बारी वो खत्म हो जाता है उसका नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको प्लायो पुशअप्स करना है, बहुत ही एक्सप्लोजिव मूवमेंट है, तो ये आपको एक्सप्लोजिव होने में बहुत हेल्प करती है। उसका जो नेक्स्ट है उसके बाद आपको क्लोज ग्रिप या मीडियम ग्रिप जो बेंच प्रेस है इसे रेस्ट पॉज बोलते हैं, आपको बेंच प्रेस में नीचे आएंगे आपको थोड़ा पॉज करना है, फिर हम एक्सप्लोर करेंगे, तो ये बहुत एक्सप्लोसिव मूवमेंट है। और जो एंड करेंगे, एंड हम बेसिकली करेंगे 12 रेप्स से जो कि आपके डंबल प्रेसेस होंगे,
तो ये सब चीजें सिर्फ टोटल सारी एक्सरसाइजेस मिला के एक सेट होती हैं और आपने कम से कम 3 बारी करना है। तो लेट्स डू दिस गाइस। जो हमारा पहला सर्किट था थैंक गॉड खत्म हो गया, ये बहुत ही मेटाबॉलिकली इंटेंसिव था। अब जो सेकंड होगा उसमें अगेन हम एक ट्राइसेप की मूवमेंट और एक चेस्ट की मूवमेंट लेंगे, लेकिन इतनी मेटाबॉलिक इंटेंसिव नहीं होगी, लेकिन रेस्ट पीरियड्स में बिल्कुल नहीं होगा। तो एक सेट हम ट्राइसेप का लगाएंगे, एक सेट हम चेस्ट का लगाएंगे, फिर एक सेट चेस्ट ट्राइसेप का, जब तक हम टोटल 3 बारी नहीं कर लेते। तो टोटल सर्किट तभी खत्म होगा जब आपके 3 टोटल सेट्स खत्म होंगे। तो रेस्ट पीरियड ऑलमोस्ट बहुत कम है, अगर लेना आपको 3-4-5 सेकंड्स हैवी ब्रेथ्स लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, बाकी इस पर कोई भी रेस्ट पीरियड अलाउड बिल्कुल नहीं है। लेट्स डू दिस। जब वो सर्किट खत्म होता है जो नेक्स्ट मारा है वो हम यूज करेंगे डिप्स, चेस्ट सेंट्रिक डिप्स होंगे, और इसके साथ हम सुपरसेट करेंगे बेंच स्टेप अप्स का ऑलमोस्ट 40-45 सेकंड से 1 मिनट तक, ताकि आपकी हार्ट बीट एलिवेटेड रहे और मसल भी बिल्ड कर सकें और साथ में फैट भी बर्न हो। तो आइए करते हैं 3 सेट सेकंड इसके भी। जब लोग फैट लॉस फेज में होते हैं, जो वर्कआउट का एंड या वर्कआउट का स्टार्ट बेसिकली कार्डियो से शुरू होता है, कार्डियो से खत्म होता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कार्डियो कैसे करते हैं। हमारा कार्डियो होगा डेडलिफ्ट और फार्मर्स वॉक की सुपरसेट से। ये वर्कआउट किसी भी जिम में हो सकता है, फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो अब अगर ना डेडलिफ्ट में वेट यूज करना है, लाइट वेट यूज करना है, मैं अराउंड 90 किलोज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर जिसके लिए आपको क्रॉस ग्रिप यूज ना करनी पड़े, डबल ओवर हैंड ग्रिप यूज कीजिए, और रेप्स 10 या 10 से ज्यादा रेप्स होनी चाहिए, तभी डेडलिफ्ट में फैट बर्न करने में और मसल बिल्ड करने में हेल्प। बात फार्मर्स वॉक की, तो ज्यादा कुछ खास नहीं करना है, जिम में जो सबसे हैवीएस्ट डंबल्स हैं हमको पकड़िए और आगे पीछे घूमिए, यही होती है फार्मर्स वॉक। दैट्स इट गाइस, ये वर्कआउट था आज का। अब हसीर द पोस्ट वर्कआउट शेक, अभी थोड़ी बात करते हैं। सो हमारा वर्कआउट अभी खत्म हो गया। ये वर्कआउट आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, बहुत इंटेंस था, हार्ट बीट बहुत अप रही। अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की गाइस। मैं अभी इसमें वे प्रोटीन का एक स्कूप है इसमें, और मैं इसको दूध के साथ ले रहा हूँ। अब ये मेंशन करना बहुत जरूरी था गाइस, इसलिए क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि अगर हम इसको दूध साथ लेंगे इसके एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगी। बोल क्रैप, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप में से कोई लोग इस चीज को कंटेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे किसी आर्टिकल का रेफरेंस मत दीजिएगा, रिसर्च स्टडीज का रेफरेंस दीजिएगा। जितनी रिसर्च मैंने पढ़ी है इसके ऊपर, बहुत रिसर्च कर चुका हूँ ऑलरेडी, और दूध में नुकसान नहीं, दूध का लेना फायदा ही है। वे प्रोटीन गाइस दूध से ही तो निकलता है, और दूध बेसिकली केसीन का एक मेन सोर्स ऑफ वो है, केसीन से प्रोटीन का मेन सोर्स है। तो इसमें अगर केसीन भी हो गया, वे भी हो गया, तो एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल मेरे पास हो गई। अब इसके बाद जितने इस जो ये मेरा ये वाला मील है, इसमें 10 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो टोटल मिला के अभी तक मेरे 50 ग्राम कार्ब्स हो गए। तो 30 ग्राम कार्ब्स रह गए आज के दिन के कोटे के लिए। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, जब वेट लॉस करना चाहते हैं तो कार्ब्स कितने खाते हैं मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद मेरे दिन में 3 मील्स रह गए। एक मेरा फिश मील होगा जिसमें ऑलमोस्ट 150 ग्राम फिश के साथ वेजिटेबल्स खाऊंगा, एक एग मील है जिसमें एग वाइट्स हैं उसके साथ वेजिटेबल्स होंगी, और दिन का मेरा लास्ट मील पनीर का होगा, उस वक्त मैं एक रोटी खाऊंगा। तो नॉर्मली मेरे जो 30 ग्राम कार्ब्स हैं वो 1.5 रोटी में लास्ट में निकलेंगे। डिनर पे मैं कार्ब्स खाना पसंद करता हूँ, इससे आप मोटे बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपको रिसर्च चाहिए या आप जानना क्यों ऐसा अच्छा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन इसका लिंक होगा, वो चेक कीजिए। और गाइस अगेन, कितना खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कितना वर्कआउट, डिटेल सारे मेरे ब्लॉग में है, ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपने अभी तक वेट लूज करना शुरू नहीं किया, फैट लॉस की जर्नी नहीं शुरू की, तो अभी कीजिए, आज कीजिए, पूरा डिटेल प्राइमर आपके पास है। कोई डाउट्स हैं तो मेरे को ईमेल कीजिए, कॉमेंट कीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। सो सी यू टुमारो, टिल देन।